है ना, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंकिता की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, दो दिन से वीडियो नहीं डाली, उसके लिए सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगी। और कंटेंट नहीं था मेरे पास कुछ भी डालने के लिए, वही बिजी लाइफ। तो आज हम लोग जा रहे हैं वेडिंग में, और ग्वालियर हमें वेडिंग में जाना है, और उसका प्लान अभी सडनली बना है। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आज मैं शादी में जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद का इतना सारा वर्क था। मुझे एग्जाम पेपर बनाने थे, जो कि मुझे 15 तारीख तक सबमिट करना है, और ट्यूशन से मैं भी काफ़ी सारा प्रेशर, शादी का भी सिलेबस जो है वो कम्प्लीट करना था। तो आज सोच रखा था कि मतलब बढ़िया से अपना काम वाम करूँगी, फ्री होंगी, शाम को एक्सरसाइज करना रहता है मेरा। तो अभी सारे प्लान हो गए हमारे कैंसिल। सबसे पहले मैं जाने वाली हूँ बहुत सारे बर्तन धोने, जैसे आपको दिखाती हूँ। तो मुझे तो धोने बर्तन, मम्मी कर रही है पूजा, ये देखो माता श्री की चल रही है हमारी पूजा, इनकी तो चल रही है पूजा। और हमारे पति देव गए हैं बढ़िया से कंडीशनर वगैरह करने बाथरूम में, और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरे पास कितने सारे बर्तन डले हुए हैं इसमें धोने के लिए। तो ये बर्तन मैं अभी धो दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कल ना बहुत सारा काम हो जाता है, स्कूल से भी जाना होता है, वहाँ से भी लेट नाइट आएंगे शादी से, फिर स्कूल के लिए सुबह वही जल्दी जल्दी काम। तो खाना, नाश्ता और बर्तन हमारे सब काम नहीं हो सकता। और ये देखो हमारे वैसे बोलते हैं शादी की प्रिपरेशन, ये देखिए ये सब लगे हुए हैं कपड़े वपड़े ढेर ढेर करके इकट्ठा करने में। तो इसे बोलते हैं जाने की तैयारी। तो अभी हाल फिलहाल तो कुछ नहीं, बस सबसे पहले मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। सब लोग तो तैयारी तो काफ़ी दिन से चल रही थी, क्योंकि इन लोगों का तो प्लान था, बस मेरे प्लान नहीं था। तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर बनाती हूँ वीडियो, और इन लोगों को देखिए। तो अभी हो गए हैं हम सब रेडी, और हम सब निकल रहे हैं शादी के लिए। मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, और बताइए कैसी लग रही हूँ। थोड़ा सा अभी अंधेरा है तो आप लोग नहीं पहचान पाएंगे, बाकी का आप लोग थोड़ी देर बाद जब मैं फोटोज डालेंगे ना तो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे लग रही हूँ। शादी के लिए हम जा रहे हैं ग्वालियर। ग्वालियर लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर रहता है डीगलपुर से दूरी, और 4-5 किलोमीटर शहर के अंदर है। तो यानी वही लगभग हमारा 30-40-38 के समथिंग हमारा पहुँच जाना है। तो बाकी के वीडियो हम वहीं जाकर बनाते हैं। अरे तो मैं खा पी के तीन चार बार खा। तो हम लोग समय से बिल्कुल पहुंच गए हैं, बारात बिल्कुल रेडी है, कुछ गेस्ट वगैरह और आ रहे हैं, तो बस अब बारात शुरू होने वाली है। तो ये लोग काफी सारे जितने भी हैं हम लोग में, ये सब तो उतरने वाले हैं बारात के लिए, और हम लोग ड्राइव जाने वाले हैं गार्डन। तो बस इनको उतरवा दें, फिर हम लोग भी निकल रहे हैं। बोलो क्या चाहिए, फेस पाउडर चाहिए, किसको लगाना है? दादी को, मम्मी से पूछ ली। हाँ बहुत बढ़िया, तुझे इसको बाहर उतार दूँ? छानवी को? हाँ। नहीं ये भग जाएगा छोड़ के, ये नहीं लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ी देर के लिए यहीं तक खड़ा कर रहा था तो ठीक है, फिर वापस ले लेना। आ जा अभी तो रुकेंगे, दे दो तो भेजा दो। हमको देगा नहीं, हमको दोगे। रहता है, पूरा सब रहता है।
अभी लड़का तो आ गया है स्टेज पे और बारात पहुंच गई यहाँ पे। बाकी घर वाले जो उन्होंने बारात में बहुत इंजॉय किया वो सब भी आ गए हैं और अब यहाँ दुल्हन आने वाली हैं यानी हमारी होने वाली भाभी। तो ये देखो शानू की मटर गश्ती, इसने बिल्कुल भी मतलब है ना एक मिनट भी चैन नहीं लिया, इसने बहुत परेशान किया है। तो अभी ये लोग खाना खा रहे हैं, ये लोग खाना वगैरह खा लें उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वरमाला का प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो अभी लगभग 12 बज गए हैं और ये थोड़ा सा इन लोगों का वेडिंग का थोड़ा सा फाइनल्स बाकी रह गए, ये कम्प्लीट होने के बाद फिर हम लोग घर निकल गए। अभी ना वरमाला का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और बस वही होने वाला है और जो पीछे का साउंड है वो मुझे म्यूट करना पड़ा है क्योंकि पीछे बहुत सारे सॉन्ग्स चल रहे हैं। और आप ये जिस तरीके से बीच में जो फ्रेमिंग देख रहे हैं ना, ये फ्रेमिंग इसलिए बनाया गया है जिससे कि जिसको फोटो क्लिक करवाना हो वो इन फ्रेम्स के आगे जाके क्लिक करवा सकता है। और इसकी मटरगश्ती और इसकी गुस्सा देखिए जरा शानवी को, इसको बहुत गुस्सा आता है और ये सीन है ना कैप्चर हो गया है। तो हम लोग घर जा रहे हैं और अभी भी ये लोग फ़ोटोज़ क्लिक करना बंद नहीं कर रहे हैं। तो अभी बाकी के जो घर वाले हैं हमारे वो अभी यहीं है, वो अभी फ़ोटोशूट वगैरह करवाएंगे अपना, मतलब उनको भी फ़ोटो स्टेज पे रहना है उसके बाद निकलेंगे। तो ये देखो भैया भाभी के फ़ोटो क्लिक चल रहे हैं अभी जाते वक्त भी। और फाइनली अभी बज गए हैं 12:30, तो हम लोग को लगभग घर पहुँचते पहुँचते वही 1:30 बजने वाला है। तो ये देख रहे हैं ना आप सामने रील का क्रेज़, ये रील बन रही थी। तो चलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मैं बहुत थक गई हूँ तो अब घर जाके आपको कोई भी इसके आगे का ब्लॉग नहीं दिखाने वाली हूँ। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।